हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के तरफ से आने वाले एक नए सीरीज के स्मार्टफोन के बारे में। जैसा कि गाइस आप सभी को मालूम होगा कि वीवो वी 40 सीरीज को बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में लेकर आने वाला है। इस सीरीज में दोस्तों आपको दो न्यू इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। एक होगा वीवो वी 40 5G और दूसरा होगा वीवो वी 40 Pro 5G स्मार्टफोन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं वीवो वी 40 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में। इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको क्या स्पेक्ट देखने को मिलेगा, कौन सा प्राइस पॉइंट में लॉन्च किया जाएगा और दोस्तों कब तक देखने को मिलेगा लॉन्च होते हुए इंडियन मार्केट में, सभी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस स्मार्टफोन के डिजाइन से। तो दोस्तों डिजाइन में ये स्मार्टफोन काफी बढ़िया होने वाला है। इसके बैक साइड में गाइस एक सर्कुलर शेप के अंदर ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप के साथ में फ्लैश लाइट की सपोर्ट दिया गया है। और वहीं पर दोस्तों इसके फ्रंट साइड में बड़ी डिस्प्ले दिया गया है जिसके अंदर पंचोल कैमरा कटआउट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों डिजाइन को लेकर ये स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और अगर दोस्तों हम डिजाइन के बाद नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर गाइस आपको 6.78 इंच की बड़ी साइज की 1.5K रेजोल्यूशन की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि दोस्तों कर्व डिस्प्ले होने वाली है। इसी के साथ ही गाइस यहां पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस। तो दोस्तों डिस्प्ले यहां पर बहुत ही बढ़िया दिया गया है। इंटरफेस से लेकर दोस्तों कंटेंट वाचिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया होगा। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों 4 नैनोमीटर पर बना मीडियाटेक डायमेंसिटी 9200 प्लस प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिसकी दोस्तों एंटीटू स्कोर 1.5 मिलियन के करीब निकल के आता है। तो दोस्तों परफॉर्मेंस को लेकर यह स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आप हार्ड कोर गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, आपको कभी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं रैम ब्रांड के बारे में, तो यहाँ पर गाइस आपको 8GB और 12GB तक के रैम ब्रांड के ऑप्शन देखने को मिलेंगे और 256GB तक स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलेगा। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं कैमरा के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में दोस्तों ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें से दोस्तों प्राइमरी कैमरा होगा 50 मेगापिक्सल का, जो कि वॉइस के सपोर्ट के साथ में आएगा। इसी के साथ ही इस 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, जिससे दोस्तों आप 2x/8 जूम कर सकते हैं, और दोस्तों 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। और वहीं पर दोस्तों फ्रंट साइड में सेल्फी कैमरा होगा 50 मेगापिक्सल का, जिससे दोस्तों बहुत ही बड़े क्वालिटी के सेल्फी और वीडियो पर आप ले पाएंगे। तो दोस्तों कैमरा को लेकर यह स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। इसके प्राइमरी कैमरा और इसके सेल्फी कैमरा से 4K 30fps का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग के बारे में, तो यहां पर गाइस आपको 5500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी इसे चार्जिंग करने के 80W की फास्ट चार्जिंग। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं अदर फीचर के बारे में, तो यहां पर गाइस आपको अंडर फिंगरप्रिंट सेंसर, NFC का सपोर्ट, बड़े और एक्सपीरियंस के लिए स्टोरेज स्पीकर, IP68 की रेटिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स NFC14 के साथ में आने वाला है, पंटो चोरी देखने को मिल जाएगा। और अगर दोस्तों हम बात करें फोन के प्राइसिंग के बारे में, तो दोस्तों फोन के प्राइसिंग 40,000 से लेकर 45,000 के अराउंड देखने को मिल सकता है। और दोस्तों इस प्राइस में देखा जाए तो वीवो की तरह से बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन होगा वीवो वी 40 Pro 5G स्मार्टफोन। बाद में दोस्तों ये स्मार्टफोन आने वाले कुछ ही वीक में ऑफिशियली इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाने वाला है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को लेकर आप क्या राय है अपना कमेंट पे जरूर दीजिएगा। और उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।